हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। आज हम पार्ट 14 बीज यात्रा का वाचन करेंगे, तो चलिए पार्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। पार्ट 14 बीज यात्रा। पार्ट को शुरू करने से पहले पार्ट परिचय को अच्छे से पढ़ेंगे। कहते हैं इस पृथ्वी पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। जैसे बीज पौधों का और पौधे पेड़ का रूप लेते हैं, यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कि हम सब जानते हैं कि कुदरत की बनाई गई ये अनोखी सी चीज़ है कि पेड़ से फल और फल से बीज और बीज से वापस पौधे बनते हैं। तो चलिए आज इस पाठ का हम वाचन करते हैं और समझते हैं। इस पाठ में रीना नाम की एक लड़की है जो अपनी प्रिय सहेली रैना को पत्र के द्वारा यह बताती है कि वह अपने पिताजी के साथ पिकनिक गई थी और उसने वहाँ पर क्या क्या देखा और क्या महसूस किया। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से हम समझते हैं। प्रिय रैना, यह पत्र मैं तुम्हें दिल्ली से लिख रही हूँ। मैं तुम्हें पेड़ पौधों से जुड़ी एक बेहद रोचक जानकारी देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें भी पेड़ पौधों से कितना लगाव है। रीना को पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और साथ में उसकी सहेली रैना को भी इनकी जानकारी लेने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए रीना ने क्या किया, उसकी सहेली को पत्र लिखकर सारी बातें बताई कि किस तरह से उसने पिकनिक में इन सब बातों को जाना। दिल्ली शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक पक्षी अभयारण्य है, सुल्तानापुर। हम कुछ दिनों पहले पिकनिक मनाने वहाँ गए थे। हरी हरी घास के मैदान, बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट, उनके पत्तों से झांकती सर्दियों की धूप और ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर स्थान है। मैंने और रोहन ने वहाँ पहुँचते ही खेलना शुरू कर दिया। हम खेल रहे थे कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया। पास के पेड़ों के झुरमुट में सेमल का पेड़ था। सेमल के फलों से निकले रुई के गोले हवा में उड़ते हुए सारे वातावरण में छा गए। तक बिखरे हुए रुई के गोलों को देखकर लग रहा था जैसे बर्फ पड़ी हो। हम उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। हमने कई गोले जमा कर लिए। सेमल के पेड़ से जो रुई के गोले निकल रहे थे वो एक्चुअली क्या थे, बीज। और उस रुई के गोलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ़ यहाँ वहाँ बिखरी हुई हो। बच्चों को बड़ा ही आनंद आ रहा था, वो दौड़ दौड़ कर उन सेमल के बीजों को पकड़ रहे थे। वो पता ही है कि मैं स्वभाव से ही जिज्ञासु हूँ, मुझे नई नई बातें जानने का कौतूहल सदैव बना रहता है। रीना कैसी थी, उसे नई नई बातें जानने का बहुत ही मन करता था, इसलिए वो बहुत उत्सुक रहती थी हमेशा नई बातें जानने के लिए। के गोले लेकर मैं पिताजी के पास पहुंच गई। पिताजी ने एक गोले को हाथ में लिया और उसकी रुई निकाली। रुई के उन गोलों को बड़ी खुशी खुशी अपने हाथ में जमा करके अपने पिताजी के पास लेके गई। और पिताजी ने क्या किया, उस रुई के गोले में से रुई को अलग कर दिया। अंदर एक छोटा सा काला बीज था। वे हमें सेमल के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने हमें बताया कि ये रुई के गोले नहीं हैं, बीज है। रोहन ने पूछा कि ये बीज है तो उड़ क्यों रहे हैं। पिताजी ने बताया कि हवा पेड़ के बीजों को दूर दूर तक बिखेर देती है। हवा क्या करती है, पेड़ के बीज को लेकर दूर दूर तक बिखेर देती हैं, तभी नए पौधे उगते हैं। ये बीज अच्छी ज़मीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं और एक दूसरे से उचित दूरी पर उग जाते हैं। धूप, हवा और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने से ये बड़े और स्वस्थ पेड़ बनते हैं। मैंने पिताजी से पूछा कि क्या बीज सिर्फ हवा से ही फैलते हैं। किसने पूछा ये, रीना ने, क्योंकि वो बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी, उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न बना ही रहता था।
पिताजी ने बताया कि ऐसे कई बीज हैं जो हवा से उड़कर दूर दूर तक पहुँचते हैं। वहीं कुछ बीजों को फैलाने में हम मनुष्य भी सहयोग देते हैं। हमने संतरे खाए और बीज फेंक दिए। आप सोचो, संतरे कहाँ से आए हैं? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, मीलों दूर कोई बगीचा होगा, वहाँ से तोड़े गए, फिर बाजार में आए, फिर हमने खाए और यहाँ फेंक दिए। हम आम खाते हैं और गुठली फेंक देते हैं। अगर इन बीजों को अच्छी ज़मीन और मौसम मिले तो यहाँ इनके पौधे उग जाएंगे, जो कुछ ही दिनों में पेड़ बनकर फल देने लगेंगे। बीज केवल हवा के द्वारा ही यहाँ वहाँ नहीं फैलते हैं, बल्कि मनुष्य भी उसे यहाँ वहाँ फैलाते हैं। जिस तरह से इस पाठ में दिया गया है कि संतरे खाकर और आम खाकर हम उसके बीज को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। अच्छी मिट्टी, सूर्य की किरणें और पानी अगर सही रूप में उसे मिले तो वह पौधा पेड़ बनकर हमें दोबारा फल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे से कभी भी इन बीजों को यहाँ वहाँ फेंकेंगे नहीं। जहाँ अच्छी मिट्टी होगी वहीं हम उसको फेंकेंगे, ताकि उससे पौधे निकल आए और वो पेड़ बनकर हमें फल दे। पिताजी ने हमें बताया कि बीज पानी में बहकर भी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, और कुछ पेड़ अपने बीज स्वयं बिखेरते हैं। उनके फल सूखने पर जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। ये तो से हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और मनुष्य के द्वारा फलों के बीज यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ फल ऐसे होते हैं जो जोर से फटते हैं और उनके बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं और नए पौधों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। फिर हम झील में विदेशों से आए हुए पक्षी, प्रवासी पक्षी देखने गए। जो पक्षी बाहर देश से आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी। पापा ने हमें समझाया कि अपने आसपास प्रकृति की क्रिया देखने, समझने और उनके बारे में सोचने से ही विज्ञान के बहुत से रहस्य हमारे सामने खुलेंगे। इसलिए जब हम हमारे आसपास के वातावरण को बड़े गौर से देखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो कई रहस्य खुलते हैं और हमें कई जानकारी भी मिलती है। इसलिए हमेशा आसपास के वातावरण को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके विषय में विचार भी करिए। ये सब बातें करते करते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी सखी रीना। रीना ने अपनी सहेली रैना को अपने पिकनिक के बारे में, बीच के बारे में और विदेशी पक्षियों के बारे में जानकारी दी और उसे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी जब कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो हमेशा याद रखिए कि आसपास के वातावरण को बड़े गौर से देखिए और उसके विषय में अपने सहेलियों से, अपने दोस्तों से उसकी चर्चा ज़रूर करें। पाठ के शब्दार्थ पर। अभयारण्य, पशु पक्षियों के लिए संरक्षित वन। कौतूहल, उत्सुकता, इच्छा। वातावरण, माहौल। वातावरण, माहौल। जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो। रीना कैसी लड़की थी? जिज्ञासु लड़की, क्योंकि उसे हर चीज़ जानने का बड़ा ही शौक था। वो बड़े शौक से प्रश्न भी पूछती और उनका उत्तर भी हासिल करती, उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। अब हम आते हैं इस पाठ के मौखिक प्रश्न पर। उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रीना अपने पिता के साथ कहाँ गई थी? प्रश्न को फिर से दोहराएंगे, रीना अपने पिता के साथ कहाँ गई थी? उत्तर है, रीना अपने पिता के साथ सुल्तानपुर गई थी। कहाँ गई थी? सुल्तानपुर। रीना अपने पिता के साथ सुल्तानपुर गई थी। दूसरा प्रश्न है, हवा के झोंके के साथ क्या उड़कर आए? हवा के झोंके के साथ क्या उड़कर आए? उत्तर है, हवा के झोंके के साथ सेमल के फलों से निकले रुई के गोले उड़कर आए। हवा के झोंके के साथ सेमल के फलों से निकले रुई के गोले उड़कर आए। तीसरा प्रश्न है, रुई के गोले वास्तव में क्या थे? आपको पता है ना,
उत्तर है रुई के गोले वास्तव में बीज थे। क्या थे? बीज। चौथा प्रश्न है विज्ञान के रहस्य कैसे खुलेंगे? उत्तर है अपने आसपास प्रकृति की क्रिया देखने समझने और उनके बारे में सोचने से ही विज्ञान के रहस्य खुलेंगे। जब हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से देखेंगे समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे तभी नए नए रहस्य हमारे सामने खुलकर आएंगे। इसलिए हमेशा जब हम नई जगह पर जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए। प्रश्न पहला है रीना का स्वभाव कैसा था? उत्तर है रीना का स्वभाव जिज्ञासु था। जिज्ञासु मतलब जिसके अंदर जानने की इच्छा हो। उसे नई नई बातें जानने का कौतूहल बना रहता था। कौतूहल मतलब उत्सुकता। उसके अंदर हमेशा नई बातों को जानने की उत्सुकता रहती थी। दूसरा प्रश्न है बीज दूर दूर तक कैसे बिखर जाते हैं? उत्तर है पेड़ों के फल सूखने पर जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे। पेड़ों के फल सूखने पर जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है पेड़ अपने आप अपने बीज कैसे बिखेरते हैं? पेड़ तो चलते फिरते भी नहीं हैं, फिर वो अपने बीज कैसे खुद बिखेरते हैं? उत्तर के माध्यम से समझेंगे। पेड़ अपने फल जमीन पर गिराकर और हवा से अपने बीजों को उड़ाकर अपने बीज बिखेरते हैं। वो कैसे बिखेरते हैं? हवा के द्वारा या अपने फल को गिराकर या जोर से फटकर क्या करते हैं? बीजों को बिखेर देते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चे पिताजी के साथ झील में क्या देखने गए थे? उत्तर है बच्चे पिताजी के साथ झील में विदेशों से आए हुए प्रवासी पक्षी देखने गए थे। बच्चे पिताजी के साथ झील देखने गए थे और साथ में बाहर से आए हुए उन पक्षियों को भी देखने गए थे। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे और बार बार दोहराएंगे और याद कर अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न सही जोड़े मिलाइए। यहाँ क वर्ग है और ख वर्ग है। क वर्ग में जो शब्द दिए गए हैं और ख वर्ग में जो शब्द दिए हैं उनको साथ में जोड़ना है जो बिल्कुल सही सही है। तो पहला शब्द है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर को हमने किससे जोड़ा है? अभयारण्य। विदेशी पक्षी। विदेशी पक्षी को हमने किससे जोड़ा है? प्रवासी पक्षी के साथ। रुई के गोले। रुई के गोले को हमने जोड़ा है किससे? सेमल के बीज के साथ। तो इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और सही शब्दों से इसका मिलान करना है। अगला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है अभयारण्य किसे कहते हैं? जहां पिकनिक मनाते हैं। पशु पक्षियों के लिए संरक्षित वन, जहां पशु पक्षियों को पिंजरों में रखा जाता है। तो सही उत्तर क्या है? पशु पक्षियों के लिए संरक्षित वन। दूसरा प्रश्न है बीजों के दूर दूर तक बिखेरने से क्या होता है? सारे बीज सड़ जाते हैं, बीज अच्छी जमीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं, नए पेड़ पुराने पेड़ों के नीचे उग जाते हैं। तो सही उत्तर क्या है? बीज अच्छी जमीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं। तो दिए गए वाक्यों में से आपको क्या करना है? सही वाक्य को चुनकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। तीसरा है बीज बिखेरने में मनुष्य कैसे सहयोग करता है? ट्रक में ले जाकर बीजों को दूर फेंकता है, फलों को खाने के बाद उनके बीज फेंकता है या पानी में बीजों को बहाता है। सही उत्तर क्या है? फलों को खाने के बाद उनके बीज फेंकता है। आपको क्या करना है? वाक्यों को पढ़ना है और उसमें से जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है सुनो और लिखो। यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है, सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए हम इनको पढ़ते हैं और सही उच्चारण करते हैं। पहला शब्द है अंकुरित। पहला शब्द क्या है? अंकुरित। दूसरा शब्द है अभयारण्य। क्या है? अभयारण्य। तीसरा शब्द है स्वभाव। तीसरा शब्द है स्वभाव।
चौथा शब्द है झुरमुट। चौथा शब्द क्या है? झुरमुट। पांचवा शब्द है वातावरण। पांचवा शब्द क्या है? वातावरण। छठवां शब्द है जिज्ञासु। छठवां शब्द क्या है? जिज्ञासु। सातवां शब्द है कौतूहल। क्या है? कौतूहल। आठवां शब्द है प्रवासी। आठवां शब्द क्या है? प्रवासी। नौवां शब्द है रहस्य। नौवां शब्द क्या है? रहस्य। दसवां शब्द है स्वयं। दसवां शब्द है स्वयं। और ग्यारहवां शब्द है सत्तर। क्या है? सत्तर। इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और सही सही उच्चारण करना है। अगला प्रश्न है भाषा बोध। रंगीन संज्ञा शब्द क्या है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान? लिखिए। आपको क्या करना है? इन वाक्यों को पढ़ना है। उसमें कुछ रंगीन शब्द दिए हैं, उन शब्दों को पढ़कर समझना है कि यह व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला है, बीजों को फैलाने में हम भी सहयोग देते हैं। यहाँ रंगीन शब्द कौन सा है? बीजों। तो बीजों क्या है? व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान? तो सही शब्द है वस्तु। बीज क्या है? वस्तु। रीता सबको कविता सुना रही है। यहाँ रंगीन शब्द क्या है? रीता। तो रीता क्या है? व्यक्ति। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? व्यक्ति। तीसरा है, माँ बच्चों को खाना खिला रही है। इसमें रंगीन शब्द क्या है? माँ। माँ क्या है? व्यक्ति। पिताजी गाड़ी स्वयं चलाकर ले जाएंगे। यहाँ रंगीन शब्द है गाड़ी। गाड़ी क्या है? गाड़ी एक वस्तु है। मैं कल भी विद्यालय नहीं जा सका था। यहाँ रंगीन शब्द है विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? स्थान। क्या है विद्यालय? स्थान। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और रंगीन शब्दों को पहचानना है कि यह व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया, हम कोई काम करते हैं और वह कार्य हमें दिखता है कि वह हो गया है या हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो चलिए हम इनमें से क्रिया शब्दों को ढूंढकर नीचे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। पहला है, रीना पत्र लिख रही है। रीना पत्र लिख रही है। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? लिख रही है। दूसरा है, रीता सबको कविता सुना रही है। तो यहाँ क्रिया शब्द क्या है? सुना रही है। तीसरा है, माँ बच्चों को खाना खिला रही है। यहाँ क्रिया शब्द क्या है? खिला रही है। चौथा है, पिताजी गाड़ी स्वयं चलाएंगे। क्रिया शब्द क्या है इसमें? चलाएंगे। पांचवा है, बीज हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ क्रिया शब्द कौन सा है? उड़ रहे हैं। यहाँ क्रिया शब्दों के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, लिख रही है, सुन रही है, खिला रही है, चलाएंगे, उड़ रहे हैं। दिए गए वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और उनमें से क्रिया शब्दों को समझना है कि क्रिया शब्द का अर्थ होता क्या है, और उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। अब हम आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। पहला है, पाठ का वाचन पुनः करें। मैंने पाठ को पढ़ के समझाया है, आप इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। दूसरा है, शब्दों के अर्थ का सही सही उच्चारण करते हुए उसका दोहराव करें। शब्दों के अर्थ अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे और उसका दोहराव करेंगे। तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर याद करके कॉपी में लिखें। प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से याद करेंगे और याद हो जाने के बाद उसे कॉपी में लिखकर उसका अभ्यास करेंगे। चौथा है, पाठ में दिए गए अभ्यास का दोहराव करें। इस पाठ में प्रश्नोत्तर के अलावा जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका बार बार दोहराव करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दिए गए सभी नियमों का पालन भी करते रहें। मैंने जो पाठ पढ़ाया है उसे आपने ध्यानपूर्वक सुना है, उसका पुनः वाचन भी करेंगे और दिए गए होमवर्क को भी पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।